sunshine on my shoulders. I'm alive and I'm breathing, living my best life. Love is on my mind. It's making me high. बस एक्चुअली ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही हमारा थोड़ा बड़ा वाला कट गया है, ये बताऊँगा हुआ क्या आगे। हमारे साथ सीन क्या हुआ, एक्चुअली हम जा रहे थे बिनसर को। अभी बिनसर में नेट में क्या है ना, उस ट्रैक के बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम लोग जानते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आए थे, हमको लगा था 8 से 10 किलोमीटर होगा बिनसर से एक्जैक्टली धौलचीना, तो उस हिसाब से हम निकले थे। टाइम अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि बिनसर के गेट से वहाँ का 0 पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, वो है 12 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से 8, 9, 10 किलोमीटर वो भी है धौलचीना। तो इतने में तो हमको हो जाती है रात, तो वो प्लान हमने ड्रॉप कर दिया। रात को जाना ऐसे जंगल में इतना सेफ़ होता नहीं है। फिर क्या करें हो रही थी। फिर हमने सोचा कि बगल में ये गैराड गोलू देवता का मंदिर, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टिक्ट्स, क्योंकि अल्मोड़ा तो हम लोग रहे हुए हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ से अगर हम नीचे को कहीं से ट्रैक करें तो हम पहुँचेंगे बाड़ीचीना, और बाड़ीचीना से आगे धौलचीना। तो ये वाला हमारा प्लान रहा आज का। तो ट्रैक का रूट हमने थोड़ा चेंज कर दिया, डेस्टिनेशन हमारी सेम ही है। तो धौलचीना आज ही पहुँचेंगे हम, और कल फिर वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे जागेश्वर का अर्ली मॉर्निंग। बाघ की टट्टी है तो अजीब सी यार। वैसे मैं हूँ इस ट्रिप में राहुल के साथ। राहुल को शायद आपने देखा होगा, कोसानी वाले। हाँ, तो कोसानी का मुझे होस्ट किया था राहुल ने, इसके साथ ट्रैक भी करवाया था मुझे। कहाँ का? पिनाथ का। तो यार अगर हमारा यूजुअल रूट होता तो ये जो आ रहा है बिनसर का रूट, बिनसर के गेट से ऊपर बिनसर 0 पॉइंट, वो टॉप मोस्ट लोकेशन पर, और फिर वहाँ से नीचे पहाड़ों से होते हुए धौलचीना, जो कि उस तरफ है इन पहाड़ों के, बाड़ीचीना से आगे की तरफ। तो अपने चेंज करे हुए रास्तों से शुरू कर दिया है हमने ये ट्रेल, और अब देखते हैं कि आज हम कहाँ तक और कैसे पहुँचते हैं। वैसे बोलते तो हैं कि अनप्लान ट्रिप्स और रास्तों में बहुत मज़ा आता है। अभी तक तो वैसे रास्ता कुछ हार्ड सा नहीं है, पर हमें उसका कोई आइडिया भी नहीं है, तो पूछते हुए हम बढ़े हैं आगे की तरफ। और सच बताऊँ, इस शांति में पेड़ों के बीच से ऐसे निकलने में, अलग अलग टाइप की चीज़ें इस जंगल में देखने में, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आता है। तो इतना काफ़ी चलने के बाद हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से नारियल ब्रेक के लिए। नारियल ब्रेक आपने नारियल घर में फोड़ा होगा, हम फोड़े जंगल में। आ रहा है। तो अब होएगा ये नारियल गैराड गोलू देवता के नाम पे समझ लेकिन खाएंगे हम। 3, 2, 1 ये अबे चितड़े हो गए इसके तो। आई एम हैविंग अ डेट इन जंगल। तो ट्रैक पे यार पैदल ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो ले जानी चाहिए ट्रैक पे? ड्राई फ्रूट्स बेसिकली, टॉफ़ी वगैरह जो भी चीज़ हो, चॉकलेट्स तो लेते हैं, और जूस वगैरह शुगर लेवल के लिए। हाँ, जब भूख लग जाती है तो खाना तो हम किसी जगह जाके बनाते हैं। और मेरी मानो तो एक नारियल रख लेना साथ। बाड़ीचीना किस साइड हुआ दिख रहा क्या इधर से? हाँ, ओ जो बिल्डिंग दिखती बड़ी वाली सफ़ेद, वो अच्छा ऐसे जाएगा। हाँ। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद हमने फिर से चलना शुरू कर दिया है इन ऊंचे नीचे रास्ते, और इस बार तो ये रास्ता बीच में गाँव से होते हुए निकल रहा है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बस हम इन गाँवों के बीच से होते हुए रास्ते को फॉलो कर रहे थे, और थोड़ा पूछते हुए हम आगे को फिर से निकल रहे हैं। अब पता है इस जंगल में सिर्फ एक कमी महसूस हो रही थी हमें, और वो था पहाड़ों से कहीं से ठंडा पानी बहते हुए आना। और चलो शायद भगवान ने वो कमी भी पूरी करी। थोड़ी नीचे जाते हुए हमको सुनाई देने लगी पानी की आवाज़। पानी इतना गर्म हो गया ना यार, मतलब बताओ ऊपर से नीचे तक पहली बार पानी मिला और वो पीने लायक नहीं। कोई नहीं, डेस्टिनेशन बाड़ीचीना अभी के पास ही है, वहाँ पे लेंगे। ब्रो पानी तो मिला, बड़ी मुश्किल से मिला यार। छोटी छोटी घाटियों में पहुँच के ये रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे। मतलब चारों तरफ देखो हरियाली ही हरियाली है, ठंडे ठंडे पानी की छोटी छोटी आ रही हैं धाराएँ और चारों तरफ हैं ऊंचे ऊंचे पेड़। उधर कुंजा हुआ वो डांट के बाद जहाँ ये आग लगी है जंगल इसके, वो मंदिर वाला ना क्या नाम है इसका, दिख रहा हो विमल कोट। वो विमल कोट। तो भाई फाइनली वी आर नियर धौलचीना। और आपको रास्ते का आइडिया दूँ तो जो पहाड़ दिख रहा है टॉप पे, इसके पीछे एक पहाड़ है, उसके पीछे से हमारे गजब। मतलब यहाँ से देख के लगता है अभी धीरे धीरे करके बड़े हौले हौले करके ब्रेक लेते हुए होते हुए गाँवों से घूमते हुए 4-5 गाँव पार करने के बाद वी आर एट दिस रोड। तो बस आज का जो ये हमारा रास्ता है ना यहीं पर आके रुक गया था। बस शाम हो ही गई थी और हमने अपने एकोमोडेशन के लिए एक छोटा सा रूम देख लिया था। और सच में धौलचीना का मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा था यार, क्योंकि मॉनसून्स बस रास्ते में ही थे, आ ही रहे थे और उसमें ऐसी ठंडी हवा आ रही थी ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बर्फ़ वाले पहाड़ों के आसपास रह रहे हो सच में। तो बस इसी को फील करते हुए आज हमने यहाँ पे रिलैक्स करना है और फिर कल सुबह निकलना है जागेश्वर की ओर, क्योंकि और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स इससे आगे का रास्ता आप देखेंगे अगले पार्ट में। अब आई नो कि ऐसे शांत और सुंदर पहाड़ों में ट्रैक्स करना किसको नहीं पसंद होता। तो अगर आपको भी ये हमारे साथ पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और यहाँ पे नए हो तो Hills2hike को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो चलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन जागेश्वर, बाय।